2019 में किया था मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान। कॉलेज पास आउट हुए हुए उस टाइम सिर्फ 2-2.5 साल हुए थे एंड बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि कैसे होगा, क्योंकि वो सोलो ट्रिप था। मेरे को जाना था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में टॉक देने सिंगापुर में, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट रह ना जाए, ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँच के मुझे इमिग्रेशन में एंट्री ना मिले। बहुत सारी चीज़ें थी जो गलत हो सकती थी एंड मैं उस टाइम पे ऐसी एक वीडियो ढूंढ रहा था जिसमें बहुत सारे आंसर हो, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप लेना हो उसका एक्सपीरियंस हो कि क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या आपको पॉइंट्स क्रॉस करने होते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। बट आज 15 से 16 कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद एंड बहुत सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद, बहुत सारी फ्लाइट डोमेस्टिक इंटरनेशनली ट्रांजिट एंड वीज़ास लेने के बाद, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ उन सब लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं या इंटरनेशनल ट्रिप पे बहुत जल्द जाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा वो सारी डिटेल्स जो आपको हेल्प करेगी आपका ट्रिप स्मूथ और टेंशन फ्री बनाने में। सो इस वीडियो में मैं पूरा शेयर करूंगा आपके घर से लेके आपके डेस्टिनेशन के होटल के एंट्री तक का पॉइंट, उसमें रस्ते में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कस्टम्स, इमिग्रेशन, पासपोर्ट कंट्रोल, उन सब की चीज़ों में बारे में मैं बात करूंगा। एंड लास्ट में मैं कुछ शेयर करूंगा आपके साथ टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स जो कि आपके ट्रिप को और भी स्मूथ बना सकता है, और भी वरी फ्री बना सकता है एंड बहुत ही इजीली आप मैनेज कर सकते हो इवन अगर आप सोलो भी ट्रैवल कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द होप कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी जो सिमिलरली मेरी पोजीशन में थे बैक इन 2019। ऑलराइट, सो ऑफकोर्स जो पहली चीज आपको चाहिए अपने इंटरनेशनल ट्रिप पे वो है एक लोकेशन, आप किस कंट्री में जा रहे हो एंड वो ही सब आगे का प्रोसीजर डिटरमाइन करेगा। सो हो सकता है कि ये आपने कंट्री चूज की हो अपने वेकेशन डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पे आप सोलो वेकेशन मनाने जा रहे हो, या हो सकता है आपको आपके वर्क से कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली हो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी हो, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाना हो। सो डिपेंडिंग ऑन दैट बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। सो वंस यू फाइनलाइज दिस लोकेशन, सेकंड स्टेप होता है कि उस लोकेशन तक पहुंचना कैसे है। सो किसी भी कंट्री में पहुंचने के 3 रास्ते होते हैं। 1, यू कैन गो बाय फ्लाइट जो कि मोस्ट कॉमन वे है एंड जिसके बारे में इस हम पूरी वीडियो में ज़ूम करके बात करेंगे। बट इसके अलावा बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि आप लैंड बॉर्डर से भी किसी कंट्री में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली से लंदन तक जा सकते हो विद कार, दिल्ली से आप थाईलैंड तक जा सकते हो। एंड तीसरा रास्ता होता है ऑफकोर्स बाय सी, आप किसी क्रूज में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सिंगापुर से क्रूज ले सकते हो टू गो टू इंडोनेशिया, टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड सो मेनी थिंग्स। बट ऑफकोर्स ये बताना जरूरी था कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एयर से ट्रैवल कर सकते हो, देर आर अदर वेज टू ऑल्सो गो टू दैट कंट्री विच इंक्लूड्स गोइंग थ्रू लैंड बॉर्डर और गोइंग थ्रू सी बॉर्डर। सो किसी भी कंट्री के बॉर्डर एंटर करने के बाद स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं इररेस्पेक्टिव आप कहाँ से आए हो। एंड इनिशियली होता है पासपोर्ट कंट्रोल, उसके बाद होता है आपका कस्टम, दैट मीन्स आपका लगेज चेक। बट उससे पहले बात करते हैं सेकेंड चीज की जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू नो एंड वो है उस कंट्री का वीजा। सो डिपेंडिंग ऑन आप किस कंट्री से जा रहे हो और आप किस कंट्री में जा रहे हो, यू माइट रिक्वायर अ वीजा। एंड किसी भी कंट्री के रिलेशन किसी कंट्री से कैसे हैं उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि आपको उस कंट्री के लिए वीजा चाहिए या नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको वीजा चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर आप सिंगापुर के जस्ट बगल में थाईलैंड में जा रहे हो तो आपको वहां पे वीजा नहीं चाहिए। अभी इंडियंस के लिए वहां पे वीजा फ्री है। सेम मलेशिया के लिए आपको वीजा नहीं चाहिए, अभी रिसेंटली मैं कजाकिस्तान गया था वहां के लिए वीजा नहीं चाहिए। सो वीजा की अगर बात करें तो बेसिकली 3 तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो आपको किसी कंट्री में जाने के लिए वीजा चाहिए, या आपको किसी कंट्री में जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल मिलेगा जिसका मतलब है कि आप वहां पहुंच के उसी टाइम ऑन द स्पॉट वीजा अप्लाई कर सकते हो और वीजा ले सकते हो। एंड थर्ड थिंग है कि आपको उस कंट्री के लिए वीजा बिल्कुल नहीं चाहिए, वीजा फ्री है, आप वहां पे वेलकम हो बिना वीजा के आने के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन आप किस कंट्री में जा रहे हो आपको चेक करना पड़ता है कि जिस कंट्री में मैं जा रहा हूं वहां पे इंडियंस के लिए या फिर आप जो भी पासपोर्ट होल्डर हैं उनके लिए वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री है, या फिर मुझे पहले से ही वीजा लगवा के सारे डॉक्यूमेंट्स देके वीजा लेना पड़ेगा उसके बाद ही मैं जा सकता हूं। सो मेक श्योर आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो आप उसकी गवर्नमेंट की इमिग्रेशन वेबसाइट होती है वहां पे जाके, गूगल पे जाके, ट्रैवल फॉर्म्स में जाके आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड के लिए अभी वीजा नहीं चाहिए, मलेशिया के लिए वीजा नहीं चाहिए, कुछ कंट्री के लिए वीजा ऑन अराइवल है, दैट मींस आप फ्लाइट टिकट बुक करा के वहां पे आ सकते हो एंड वहां पे पहुंच के आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। हैंड टू हैंड आपको वीजा दे देते हैं 14 डेज 30 डेज डिपेंडिंग ऑन जो भी इनकी पॉलिसी है। एंड कुछ कंट्री में आपको वीजा एडवांस में लेना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यूनाइटेड किंगडम जाना है तो आपको पहले ही वीजा लेना पड़ेगा, अगर आपको यूएस जाना है तो आपको उसके लिए भी एडवांस में वीजा लेना पड़ेगा। अगर आपका वीजा अप्रूव होता है सिर्फ तभी आप ट्रैवल कर सकते हो, बट अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। सो वीजा फ्री कंट्रीज और वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज तो बहुत सिंपल है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बट अब बात कर लेते हैं उन कंट्रीज के लिए जहां पे जाने के लिए आपको वीजा चाहिए एडवांस में। तो जैसे मैंने बात किया यूनाइटेड किंगडम अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको वीजा चाहिए, कनाडा जाने के लिए वीजा चाहिए, यूएस जाने के लिए वीजा चाहिए अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हो। सो इन कंट्रीज के भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं।
इसको बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज के लिए आपको सिर्फ स्टेप वन फॉलो करना है और कुछ कंट्रीज के लिए आपको स्टेप वन प्लस स्टेप टू फॉलो करना है। सो स्टेप वन की अगर मैं बात करूँ तो स्टेप वन जो होता है वो होता है बेसिक डॉक्यूमेंटेशन देना और बायोमेट्रिक्स देना। इसके लिए बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो यूज़ करती हैं VFS ग्लोबल सर्विसेज, जो कि आजकल बहुत सारे शहरों में खुला है, दिल्ली के अंदर भी है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको UK का वीज़ा लेना है लंदन जाने के लिए, तो आपको VFS ग्लोबल के लोकेशन पे जाना है, आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी है एंड देन आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है आपका पासपोर्ट, आपका ITR, आपकी बैंक स्टेटमेंट, अगर आपको इन्विटेशन आया है UK से तो वो इन्विटेशन लेटर, और बहुत सारी चीज़ें, आप एम्प्लॉयड हो तो आपका लीव लेटर्स। सो डिपेंडिंग ऑन आप किस कंट्री में जा रहे हो, यू कैन चेक किसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सो ये होता है स्टेप वन। UK के लिए सिर्फ स्टेप वन फॉलो करना है, आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स देने हैं एंड डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन आपका वो केस स्टडी करते हैं एंड वो आपको वीजा देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। कुछ कंट्रीज के लिए एक एडिशनल स्टेप होता है जिसको हम स्टेप टू बोलते हैं, वो भी आपको फॉलो करना पड़ता है। एन एग्जांपल के लिए ले लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, अगर आपको USA जाना है तो आपको स्टेप वन में आपको आपके बायोमेट्रिक्स देने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स देने हैं एंड स्टेप टू में आपको US की एम्बेसी विजिट करके उनको एक इंटरव्यू देना है जिसमें वो आपसे पूछेंगे कि आप US में कहाँ जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो, आपका मकसद क्या आपके ट्रिप का, कब वापसी आओगे, कौन फाइनेंस कर रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन वीज़ा हम कंट्रीज़ को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होता है वीज़ा फ्री कंट्रीज, जहाँ पे आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए आने के लिए। दूसरी होती है वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज, जहाँ पे आप जाके वीज़ा ऑन द स्पॉट अप्लाई और ले सकते हैं। एंड तीसरा होता है कंट्री जिसमें वीज़ा एडवांस में लेना पड़ता है। इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, स्टेप वन के अंदर डॉक्यूमेंट्स देके सिर्फ वीज़ा मिल जाता है, स्टेप वन और स्टेप टू के अंदर पहले डॉक्यूमेंट्स और बायोमेट्रिक्स देने होते हैं एंड उसके बाद एक इंटरव्यू भी देना पड़ता है। सो आई होप कि आपको वीज़ा वाला क्लियर हो जाएगा। जिस भी कंट्री में आपको जाना है उसके लिए आप चेक कर लीजिएगा कि आपको वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए एंड चाहिए तो क्या प्रोसेस है। सो आई होप दैट इज़ क्लियर। अब एक चीज़ इसके अंदर एक और बात कर लेते हैं, वो है ट्रांजिट वीज़ा। एंड इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ अपना जो मेरे साथ हुआ था। सो मैं ट्रैवल कर रहा था दुबई से लंदन एंड मेरा एक ट्रांजिट था फ्रांस के अंदर। सो फ्रांस से अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो, अगर आप पेरिस से ट्रांजिट कर रहे हो, तो आपको फ्रांस का एक ट्रांजिट वीज़ा भी चाहिए होता है। ट्रांजिट बेसिकली क्या होता है कि मैं अपनी डायरेक्ट फ्लाइट ना लेके डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी से मैं बीच में कहीं स्टॉप लेके जा रहा हूँ। यूजुअली जो लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं उसमें स्टॉप्स होता है, स्टॉप्स वाली फ्लाइट थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती हैं। तो जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मेरी फ्लाइट थी दुबई से लंदन एंड रास्ते में 3 घंटे का स्टॉप था फ्रांस में, बट फ्रांस में अगर आप स्टॉप ले रहे हो तो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, उसके बिना आप नहीं जा सकते। सो अगर आपके पास एयर फ्रांस की टिकट है तो आपको जनरली जो स्टॉप मिलेगा वो पेरिस में मिलेगा एंड उसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा भी चाहिए। ट्रांजिट वीज़ा जनरली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी टिकट बुक करा रहे हो उसका ट्रांजिट किस कंट्री में है एंड क्या उस कंट्री के लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सेम रूट पर जा रहे हो दुबई से लंदन बट आप होते हुए जा रहे हो विया एम्स्टरडैम जो कि नीदरलैंड से पड़ता है, तो उसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। नीदरलैंड से आप वीज़ा फ्री ट्रांजिट कर सकते हो। वीज़ा की अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो जब भी आप वीज़ा अप्लीकेशन भरोगे, अगर आप इवन आप ट्रैवल एजेंट से भी भरवा रहे हो, सो मेक श्योर कि आपने सारे पॉइंट्स उसके अंदर पढ़ लिए हैं एंड कोई भी ट्रैवल एजेंट है वो कोई भी ऐसी चीज़ उसमें नहीं मेंशन कर रहा जो कि गलत है, क्योंकि वीज़ा का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो एक तरह का एक लीगल फॉर्म की तरह माना जाता है एंड अगर उसमें कुछ भी झूठ पकड़ा गया तो आपका वीजा तो रिजेक्ट होगा ही होगा, बट आपको वो बैन भी कर सकते हैं जो कि हो सकता है एनीवेयर बिटवीन 1 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर या पूरा लाइफ टाइम के लिए। एंड एक बार आपका वीजा रिजेक्ट हुआ तो आपको बाकी वीजा लेने में बहुत दिक्कत आ सकती है। सो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, गलत बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं, फोर्स डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट। वीजा रिजेक्ट कराना इज ओके, अगर रिजेक्ट होता आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपने कोई भी झूठ बोला अपनी एप्लीकेशन में, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी दिया, तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट। सो मेक श्योर आप जो भी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो किसी भी वीजा के लिए या किसी ट्रैवल एजेंट से करा रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लेना एंड नेवर 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 लाई ऑन योर वीजा एप्लीकेशन। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक बहुत सारी कंट्रीज के वीज़ा अप्लाई किए हैं एंड मेरे को बहुत सारी कंट्रीज के वीज़ा मिले हैं, बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। एंड जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वीज़ा रिजेक्शन का मेरे ओपिनियन में अगर मैं बात करूँ तो वो होता है अगर आप एप्लीकेशन में कुछ झूठ बोल रहे हो या फिर आपका जाने का रीज़न एकदम टोटली डिफरेंट है आपने जो एप्लीकेशन से मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे जा रहे हो किसी बिजनेस डील के लिए, किसी बंदे से मिलने या फिर एक जॉब का इंटरव्यू देने और आपने वीज़ा एप्लीकेशन में लिख दिया कि मैं वहाँ पर टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, सो दे ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, दे विल प्रीटी ईजिली कैच यू। इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं टू स्क्रीन योर डॉक्यूमेंट्स, टू स्क्रीन योर ट्रैवल हिस्ट्री। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि नेवर नेवर लाई ऑन योर वीजा एप्लीकेशन, ये सबसे नंबर वन रिजेक्शन का रीजन होता है। सेकंड चीज मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो स्टार्ट करो उन कंट्री से जहां पे वीजा फ्री है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हो तो पहले थाईलैंड चले जाओ, मलेशिया चले जाओ या फिर ऐसे कंट्री में चले जाओ जिनका वीजा इजिली मिल जाता है लाइक दुबई। एक बार आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है, आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लग जाती है, उसके बाद बड़े वीजा मिलने ईजी हो जाते हैं लाइक US, लाइक कनाडा,
कनाडा मत जाना, कनाडा किसको जाना आजकल, बट आई एम जस्ट टॉकिंग कि एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाना जरूरी है। सो अगर आप सिर्फ घूमने के पर्पज से जा रहे हो, अगर आपका कोई बिजनेस इंटेंट नहीं है, तो पहले आसपास की कंट्रीज में ट्रैवल कर लो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्डअप हो जाएगी। देन जो डिफिकल्ट वीजाज होते हैं लाइक यूके लाइक यूएस, वो मिलना थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि आपने जो वीजाज अप्लाई करे हैं आप उन डेट्स पे ही वापसी आए हो। अगर आपको 2 महीने का वीजा मिला है दुबई का, तो आप 1 महीने में वापसी आ गए हो, दैट मीन्स यू फॉलोड ऑल योर वीजा गाइडलाइंस, सो दे थिंक दैट यू आर अ लेजिट ट्रैवलर। सो build a travel history that really helps in a long term. Now let's talk about the next thing, जो कि है flights and flight आपको लेके जाएगी आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री तक। एंड डिपेंडिंग ऑन, आप वीजा से पहले भी फ्लाइट अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर अगर आपका वीजा नहीं आया तो आप कैंसिल करा के कुछ थोड़ा बहुत पैसा कटेगा, कैंसिल हो जाएगी। बट यूजुअली लोग क्या करते हैं, वीजा आने के बाद ही अपनी फ्लाइट बुक करते हैं, या फिर उस कंट्री में अगर जा रहे हो जहाँ वीजा फ्री है तो आप सीधा फ्लाइट बुक कर सकते हो। फ्लाइट बुक करते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो आप ऑफकोर्स आप जिन डेट पर ट्रैवल कर रहे हो उस डेट की आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ अगर मैंने बताया, अगर वो फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है तो वो किस कंट्री से ट्रांजिट कर रही है वो देख लेना, एंड ये देख लेना कि उस कंट्री में आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो, तो आप वो अगर वो उसका स्टॉप मलेशिया के अंदर है, तो आप चेक कर सकते हो कि मलेशिया में ट्रांजिट वीजा चाहिए या नहीं चाहिए। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो शायद चाहिए था, अब शायद नहीं चाहिए, सो डू चेक इट आउट। इसके अलावा अगर आप किसी छोटे सिटी में आते हो जहां पे आपकी सिटी के अंदर कोई मेजर एयरपोर्ट नहीं है, सो ऑफकोर्स आपको कोई नियर बाय मेजर सिटी में आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाब से ट्रेवल कर रहे हो यूके के लिए, एंड उसके लिए ऑफकोर्स आपको पंजाब से दिल्ली आना पड़ेगा। देन आप चेक कर सकते हो कि बैगेज लिमिट कितनी है, तो हर फ्लाइट कुछ बैगेज अलाउ करती है, जिसके अंदर 2 कैटेगरी होती है, एक होता है आपका कैरी ऑन बैगेज जो कि आप कैबिन में लेके जाते हो, एक होता है आपका चेक इन बैगेज जो कि आप फ्लाइट को देते हो। सो हर फ्लाइट की कोई लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल 25 किलो 20 किलो 30 किलो सो फ्लाइट बुक कराते हुए आप चेक कर सकते हो। यूजुअली जो बजट एयरलाइन होते हैं उनका बैगेज थोड़ा कम रहता है 20 किलो, बट जो प्रीमियम एयरलाइंस होती हैं वो 30 किलो 50 किलो तक भी अलाउ करती हैं। सो बैगेज लिमिट चेक कर लेना, एंड अगर आपका बैगेज लिमिट ओवर आपने फ्लाइट बुक करा ली, उसके अंदर 20 किलो का लिमिट अलाउ थी बट आपको 30 किलो आपका 40 किलो लेके जाना है, सो जब भी आप फ्लाइट बुक करा रहे हो उसी टाइम एक्सेस बैगेज आप बुक करा सकते हो, या फिर आप चेक इन के टाइम पे करा सकते हो। एयरपोर्ट पे जाके अगर उन्होंने चेक किया कि आपका 50 किलो है, तो जो 20 किलो का प्राइस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो अगर आपका बैगेज एक्सेस जा रहा है तो पहले ही एक्सेस बैगेज खरीद लो एयरलाइन की वेबसाइट पे बुक कराने के बाद, या फिर टिकट बुक करते टाइम, या फिर चेक इन के टाइम। एयरपोर्ट पे जाके एक्सेस बैगेज मत खरीदना या फिर एक्सेस वेट मत लेके जाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे आपसे। सो फ्लाइट बुक कराते हुए जैसे मैंने मेंशन किया, अगर आपकी जो फ्लाइट है वो 1 स्टॉप या 2 स्टॉप वाली है, अगर वो कहीं रास्ते में ट्रांजिट कर रही है, तो ट्रांजिट वीजा के साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना कि आपका जो फ्लाइट्स है वो सेम कंपनी की है या फिर अलग कंपनी की है। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं दुबई से लंदन वाली फ्लाइट का, सो हो सकता है कि दुबई से आप पेरिस पहले जाओ किसी और एयरलाइन पे, और पेरिस से आप आगे लंदन जाओ किसी और एयरलाइन पे, हो सकता है कि वो पहले वाली फ्लाइट जो वो एयर फ्रांस की हो, दूसरी वाली फ्लाइट जो वो ब्रिटिश एयरवेज की हो। ये चीज़ मैं करना बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, स्पेशली अगर आपका फर्स्ट ट्रिप है, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, बहुत कन्फ्यूजन होती है, एंड अगर किसी की गलती हो तो एयरलाइन जो है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दे, ब्रिटिश एयरवेज बोलेगा कि एयर फ्रांस की वजह से आपका बैग नहीं मिला, या फिर अगर आपकी फ्लाइट मिस हो गई, ट्रांजिट बहुत छोटा है, तो हो सकता है कि एक दूसरे का ब्लेम गेम हो और आप कहीं पर अटक जाओ। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि अलग अलग एयरलाइन से आप जाओ, अगर आप किसी एक फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हो तो मेक श्योर कि एक ही कंपनी की एयरलाइन हो, बहुत ईजी रहता है। एंड इसके अंदर ये भी कन्फ्यूजन होती है कि आप पेरिस पहुंच गए एयर फ्रांस से, हो सकता है कि एयर फ्रांस आपका बैगेज जो है पेरिस में ही अनलोड कर दे, एंड उसके बाद वो दूसरी एयरलाइन तक ना ही पहुंचे, एंड इस केस के अंदर लिटरली बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा स्पेशली न्यू ट्रैवलर्स को कि आप डिफरेंट PNR पर ट्रैवल करो। PNR होता है आपका वो नंबर जो बुकिंग के टाइम पे आपको फ्लाइट एयरलाइंस देती हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि हमेशा एक ही कंपनी के साथ ट्रैवल करो, इवन अगर आप ट्रांजिट भी कर रहे हो तो मेक श्योर आप एक ही एयरलाइन के साथ ट्रांजिट कर रहे हो। अलग अलग एयरलाइंस के साथ हैसल लेना सस्ता पड़ सकता है, बट इट्स नॉट वर्थ इट, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर ट्रैवलर। यूजुअली अगर आपका PNR नंबर एक सेम है, चाहे आप एक स्टॉप ले रहे हो चाहे 2 स्टॉप ले रहे हो, आपको जो बैग मिलेगा वो अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन पे ही मिलेगा आपकी। आप मेक श्योर करो कि अगर आपका जो हॉल्ट है वो रास्ते में 2 घंटे का है या 6 घंटे का या 12 घंटे का है, तो आपके पास कैबिन में वो सारा सामान हो जो आपको नीडेड हो, क्योंकि आपने जो लगेज चेक इन करा दी वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे ही मिलेगा। एंड एक बार कंफर्म भी कर लेना बैगेज ड्रॉप के टाइम पे कि जो मेरा लगेज है मुझे कब मिलेगा, या मुझे फर्स्ट स्टॉप सेकंड स्टॉप पे मिलेगा या मुझे फाइनल स्टॉप पे मिलेगा। यूजुअली फाइनल स्टॉप पे ही मिलता है, अगर उन्होंने बोला फर्स्ट स्टॉप पे मिलेगा तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करके जाना पड़ेगा लगेज लेने के लिए, जो कि अगेन बहुत बड़ा हासिल है। सो मेक श्योर यू बुक 1 एयरलाइन and you opt for baggage claim at the last destination. यहाँ पे सबसे बड़ी टिप मैं जो देना चाहूंगा वो है कि अगर आप ट्रांजिट फ्लाइट ले रहे हो तो इंटरनेशनल में मेक श्योर कि आपका ट्रांजिट टाइम ज्यादा हो। अगर आपके पास बहुत छोटा सा ट्रांजिट विंडो है, लेट्स से कि आप दुबई से फ्रांस आए हो एंड फ्रांस से जो लंदन की फ्लाइट है वो आपकी लैंड होते ही 1 घंटे बाद है,
तो यूजुअली उस केस के अंदर आपको बहुत ज्यादा भागम दौड़ करनी पड़ सकती है, एंड हो सकता है कि आपका लगेज पुराने वाले फ्लाइट से उतर के दूसरी वाले फ्लाइट तक ना पहुंचे, एंड आप जब तक लंदन पहुंचो आपका लगेज मिसप्लेस हो जाए एंड वो पहुंचे ही ना आपके साथ में, तो बहुत ज्यादा हैसल है। सो मेक श्योर कि आपके पास इनफ विंडो हो, एटलीस्ट 3-3.5-4 घंटे की विंडो तो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप 1 stop या 2 stop फ्लाइट ले रहे हो। हर स्टॉप पे एटलीस्ट 3 घंटे का ले ओवर लेके चलो, उससे कम में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, बहुत सारी भागदौड़ करनी पड़ सकती है एंड बहुत गलतियां भी हो सकती हैं। फ्लाइट्स वाली कैटेगरी में लास्ट चीज मैं ये बोलूंगा कि जब भी घर से निकलो अपना फाइनल वेट चेक करके निकलो। अगर आपको वेट चेक करना है आप एक वेट स्केल खरीद सकते हो, या फिर अपना वेट पहले नापो एंड फिर बैक को आपने पकड़ के दोबारा से वेट नापो एंड अपना वेट माइनस करो तो आपको बैक का वेट मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एडवांस में चेक इन कर सकते हो एंड अपनी सीट बुक कर सकते हो एक्स्ट्रा पैसे देके। यूजुअली 72 या 48 आवर्स पहले इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती हैं वो अपने चेक इन विंडो ओपन कर देती हैं। करना कुछ नहीं है, अपने फ्लाइट जिस भी एयरलाइन से आपने कराई है उसकी वेबसाइट पे जाओ, अपना PNR नंबर डालो, लास्ट नेम डालो, चेक इन पे क्लिक करो एंड ये मेक श्योर कर देगा कि आप जा रहे हो प्लेन पे। चेक इन करना मैंडेटरी कभी कभी इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लाइट्स होती हैं वो एक्स्ट्रा बुक करा लेती हैं, एंड हो सकता है कि आप अगर बहुत लेट पहुंचे एयरपोर्ट पे बोले कि फ्लाइट ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, आपके पास अगर टिकट होगी आपको नेक्स्ट फ्लाइट पर डाल देंगे। बट अगर आप एडवांस में चेक इन कर दोगे तो यू कैन मेक श्योर कि यू आर गोइंग इन दैट फ्लाइट एंड आपके पास बोर्डिंग पास भी होगा एंड आपके पास सीट भी कन्फर्म होगी। ऑलराइट, सो फ्लाइट्स बुक करा ली एंड नाउ फाइनली वो दिन आ गया जब आपका है फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड आपको जाना है एयरपोर्ट पे। सो एयरपोर्ट पे मैं सारी चीजें डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए 2-3 घंटे पहले, जो कि रिकमेंडेड है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बिगिनर ट्रैवलर हो जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो स्पेशली सोलो, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लेके चलो, 3-3.5 घंटे पहले पहुंच जाओ। एयरपोर्ट पे बहुत चीजें करने को होती हैं, सो स्पेशली अगर आप बहुत ही बिजी एयरपोर्ट से जा रहे हो लाइक दिल्ली का, वो भी शाम के टाइम पे, तो बहुत ज्यादा रश होता है एंड इट डजंट मैटर कि आपकी फ्लाइट है, यू हैव टू क्यू अप इन सिक्योरिटी। सो अपना अच्छा खासा टाइम लेके पहुंचो एयरपोर्ट पे। सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचते ही आपकी बाहर चेकिंग होगी, वो चेक करेंगे आपकी फ्लाइट टिकट, CRPF के जवान हैं जो वो फ्लाइट टिकट चेक करेंगे, वो चेक करेंगे आपका पासपोर्ट, आपकी फोटो मैच करेंगे। सो उनको जय हिंद बोलो, अच्छे से चेक कराओ एंड देन यू कैन एंटर द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे एंटर करने के बाद ही आपकी जो एयरलाइन आपको उसका काउंटर ढूंढना है। अगर आप एयर इंडिया से जा रहे हो तो आप एयर इंडिया के काउंटर पे जाओ, अगर आप इंडिगो से जा रहे हो तो इंडिगो के काउंटर पे जाओ एंड यहाँ पे जाके आपको करना है चेकिंग एंड बैगेज ड्रॉप। एक चीज और है, अगर आपके पास कोई लगेज नहीं है जो आपको चेक इन करना है तो आप सीधा अपना बोर्डिंग पास अगर आपने चेक इन कर रखा है आप सीधे सिक्योरिटी के लिए भी जा सकते हो, बट यूजुअली इंटरनेशनल में आपको बैगेज ड्रॉप पे एक बार जाना ही पड़ता है। सो बैगेज ड्रॉप करो एंड यहाँ पे अगर आपका बैगेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एंड थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है इनफैक्ट। बट बैगेज ड्रॉप करने के बाद अगर आपको मिल जाएगा आपका बोर्डिंग पास, ये बोर्डिंग पास बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको पूरी जर्नी संभाल के रखना क्योंकि ये आपको नीड पड़ेगी आपको लैंडिंग करने के बाद भी। सो मेक श्योर यू डू नॉट मिसप्लेस दिस डॉक्यूमेंट। सो बैगेज ड्रॉप के टाइम पे जो एयरलाइन का स्टाफ होगा वो आपसे मांगेगा आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, कुछ कंट्रीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आप पहले ही ऑनलाइन बुक करा सकते हो, वो हेल्थ इंश्योरेंस भी मांगेंगे। कुछ कंट्रीज के लिए वो मांगेंगे रिटर्न टिकट दिखाओ कि आप वापसी इंडिया का बारे हो, तो आपको उसके लिए आपको रिटर्न टिकट दिखानी पड़ेगी। एंड इसके अलावा आई थिंक कुछ साल पहले कोविड सर्टिफिकेट भी मांगते थे वैक्सीन का, बट अब नहीं मांगते हैं। सो बट रख लेना, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, बट आई थिंक पासपोर्ट, वीजा एंड रिटर्न टिकट कभी कभी होटल बुकिंग्स में भी कभी कभी मांग लें, बट जनरली इन सब डॉक्यूमेंट्स में वो आपको बोर्डिंग पास दे देंगे एंड देन आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एयरपोर्ट पे शुरू, जिसको हम बोलते हैं पासपोर्ट कंट्रोल एंड इमिग्रेशन। सो अब बात कर लेते हैं आउटगोइंग इमिग्रेशन की। सो जनरली जब भी आप किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को लीव करते हो तो लीव करने से पहले आपको इमिग्रेशन के थ्रू होकर जाना पड़ता है। इंडिया के अंदर इमिग्रेशन से अगर आप जा रहे हो किसी और कंट्री में तो ये होगा आपका आउटगोइंग इमिग्रेशन। यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपको मिलेंगे एंड इमिग्रेशन ऑफिसर जाने से पहले आपको ऊपर पढ़ना पड़ेगा इंटरनेशनल डिपार्चर्स, उसी गेट से आपको जाना है। हो सकता है एक ही एयरपोर्ट पे हो इंटरनेशनल डिपार्चर्स और डोमेस्टिक डिपार्चर्स, सो डोमेस्टिक वाला तो कंट्री के अंदर वाला होगा उसमें मत जाना, इंटरनेशनल डिपार्चर्स में जाना। जैसे आप वहां जाओगे सबसे पहला जो काउंटर होगा वो होगा इमिग्रेशन कंट्रोल का, पासपोर्ट कंट्रोल का, वहां पे लाइन करना एंड जब आपको बुलाएंगे आपका नंबर आएगा, सबसे पहले जय हिंद बोलना जाके इमिग्रेशन ऑफिसर को, देन दे विल आस्क फॉर योर पासपोर्ट, अगेन वीजा पूछेंगे क्यों जा रहे हो, क्या मकसद आपके ट्रिप का, कब वापसी होगी, हो सकता है वो रिटर्न टिकट मांग लें, हो सकता है आपकी होटल बुकिंग मांग लें, वीजा जरूर मांगे अगर वो उस कंट्री को वीजा चाहिए। एंड देन वो आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगाएंगे जिसमें लिखा होगा आप किस एयरपोर्ट से एग्जिट कर रहे हो एंड किस डेट को कर रहे हो, एंड इसके बाद आप जा सकते हो अपने फ्लाइट गेट की तरफ। सो दिस वॉज अबाउट पासपोर्ट कंट्रोल, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो बोर्डिंग पास मिल गया, पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई इमिग्रेशन की, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सबसे क्रूशियल स्टेप जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी चेक।
एंड अगेन इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे करती है वो करते हैं CISF के जवान, सो प्लीज उनके साथ कॉपरेट करना, वो अपना सिर्फ काम कर रहे हैं और जब भी उनको मिलो जय हिंद बोलो। सो सिक्योरिटी चेक में आपको पहले आपका जो जितना भी आपके हाथ में सामान है वो एक्सरे के थ्रू पास करना है, उसमें आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स अलग करने हैं, अगर आपने बड़े बूट्स पहने हैं तो बूट्स उतारने हैं, जैकेट उतारनी है, बेल्ट उतारनी है, एंड देन आपका जितना भी सामान है लैपटॉप अलग करना है, कैमराज अलग करने हैं, आईपैड अलग करना है, वो सब एक्सरे होके बाहर आएगा। एंड देन यू हैव टू वॉक थ्रू अ मेटल डिटेक्टर, उसके बाद आपको जो आर्मी ऑफिसर है वो आपको पूरा फ्रिस्क करेंगे, स्कैन करेंगे मेटल डिटेक्टर से, कोई भी चीज़ निकलती है तो वो आपसे पूछेंगे ये क्या है। सो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं लेके जाना, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो होती हैं वेप्स वगैरह वो अलाउड नहीं होते, एंड जनरली डोंट कैरी एनीथिंग इलीगल, इतना ही बोल सकता हूँ मैं इसके बारे में। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आप अपने लगेज का रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आपके बैग से कोई भी चीज़ निकलती है और आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता है किसने डाल दी, सो मेक श्योर आप जो भी लेके जा रहे हो यू नो 100% कंटेंट्स ऑफ योर बैग, अगर वहाँ पे कुछ भी निकला उल्टा सीधा इलीगल सो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। एक बार आपका सिक्योरिटी में ऐसा नाम आ गया कि आपने कुछ इलीगल चीज़ ले जाने की कोशिश करी है, उसके बाद आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी एयरपोर्ट पर जाओगे आपका स्पेशल नाम रहेगा और बहुत टाइम लगेगा आपको जाने के लिए अगर आपको छोड़ भी दिया तो। सो मेक श्योर डोंट टेक एनीथिंग इलीगल, बिल्कुल स्मार्ट बनने का ट्राई मत करना, ये लोग बहुत ट्रेंड बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, दे विल कैच एनीथिंग दैट इज नॉट अलाउड। अगर कन्फ्यूजन है तो पहले ही पूछ लो कि सर ये अलाउड है क्या, ये लिक्विड अलाउड है क्या, कितना मैं ले जा सकता हूँ, बट डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, बिल्कुल बदतमीजी मत करना। अगर आपका कोई सामान पकड़ा भी गया आप बोलना कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई नुकीली चीज़, जैसे एक बार मेरा बटर नाइफ पकड़ा गया था जो कि अलाउड नहीं था, तो मैंने बहुत पोलाइटली बोला आई एम सॉरी सर मेरे को नहीं पता था, एंड उन्होंने सीधा वो डिस्पोज किया एंड दे लेट मी गो। सो डोंट ट्राई टू बी रूड, वो लोग अपना सिर्फ काम कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू मेक श्योर दैट एवरी पैसेंजर इज सेफ ऑन द प्लेन, एंड दैट्स हाउ यू गो टू द सिक्योरिटी चेक। अगर आपके एक्सरे वाले बैग के अंदर कुछ डिटेक्ट होगा तो आपसे पूछेंगे कि ये क्या है ये क्या है, वो तो आप दिखा सकते हो। नाउ वंस दे आर सेटिस्फाइड विद ऑल द चेक्स दे विल लेट यू गो, एंड वो भी कभी कभी आपके बोर्डिंग पास पर स्टैम्प कर देंगे कि सिक्योरिटी इज डन एंड दिस पर्सन इज ओके टू बोर्ड टू द फ्लाइट। सो सिक्योरिटी चेक क्लियर करते ही सबसे बड़ी जो टेंशन और एंजाइटी होती है वो दिमाग से निकल जाती है, एंड इसके बाद दिखता है आपको एयरपोर्ट के चमचमाते नज़ारे ड्यूटी फ्री के। सो इसके बाद ये श्योर है कि आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हो। नाउ आपके पास अगर टाइम है तो आप एयरपोर्ट पे कुछ शॉपिंग कर सकते हो। सो ड्यूटी फ्री का मतलब होता है नो मैंस लैंड, ड्यूटी फ्री पे आप कुछ भी खरीदते हो उस पर कोई भी कंट्री टैक्स नहीं लगाती है। सो इफ यू आर समवन हु लाइक टू ड्रिंक अल्कोहल, आप वहाँ पे दो बॉटल ले सकते हो अल्कोहल की ड्यूटी फ्री से, यू कैन टेक परफ्यूम्स, जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं ड्यूटी फ्री पे, टैक्स नहीं लगता है, सो यू कैन टेक दैट एडवांटेज अगर आपको लेना है। नहीं तो यू कैन गो टू स्ट्रेट टू द बोर्डिंग गेट, आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होगा कि आपकी फ्लाइट किस गेट से उड़ने वाली है, आप सीधा उस गेट नंबर पर जा सकते हो। कुछ एयरपोर्ट बहुत बड़े होते हैं लाइक IGI टर्मिनल 3 दिल्ली का, सो मेक श्योर कि आप बोर्डिंग गेट पे बहुत पहले पहुंच जाओ, लास्ट मिनट तक घूमते मत रहो क्योंकि बहुत टाइम लगता है वहां तक पहुंचने के लिए, स्पेशली जो लास्ट के गेट्स होते हैं। अच्छा अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, ऊपर रेस्टोरेंट से वहाँ बैठ सकते हो मैकडोनल्ड्स सबवे पे, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि लाउंज एक्सेस देता है, या फिर आप बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हो तो आप लाउंज के अंदर बैठ सकते हो जहाँ पे आपको मिलेगा फ्री खाना फ्री पीना, कुछ लाउंज के अंदर आप सो भी सकते हो, स्लीपिंग पॉट्स बने होते हैं। सो आप चेक कर सकते हो आपको क्या करना है, बेसिकली सिक्योरिटी के बाद यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट इन द एयरपोर्ट टिल योर बोर्डिंग टाइम। सो ड्यूटी फ्री पर टाइम स्पेंड करो, कुछ खा लो रेस्टोरेंट्स में, स्पेशली खा लेना अगर आपकी फ्लाइट लंबी और फ्लाइट पे खाना नहीं मिलने वाला है, या फिर गो टू द लाउंज एंड रिलैक्स देयर। बट जैसे आपका बोर्डिंग टाइम आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होगा वो होने वाला हो, जस्ट मूव एंड गो टू द बोर्डिंग गेट क्योंकि अब आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। इसमें एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि भले ही आपके बोर्डिंग पास पे लिखा हो कि आपकी फ्लाइट जो है वो गेट नंबर 2A से उड़ने वाली है, बट डिपेंडिंग ऑन बहुत सारी कंडीशन ये गेट्स चेंज होते रहते हैं। हो सकता है आपके बोर्डिंग गेट पे लिखा हो 2A बट जो फ्लाइट है वो उड़ने वाली है 5B से। सो ये आप कैसे चेक करोगे, एयरपोर्ट पे जगह जगह स्क्रीन्स लगी होती हैं, वहाँ पे आपका फ्लाइट का नंबर और फ्लाइट की एयरलाइन कंपनी लिखी होती है, सो वहाँ चेक करते रहना कि फ्लाइट का जो गेट है वो चेंज तो नहीं हुआ। इसके अलावा आप अनाउंसमेंट भी सुन सकते हो, इसके अलावा आपकी जो फ्लाइट का नंबर होता है फॉर एग्जाम्पल IA602 वो गूगल पर डाल के भी चेक कर सकते हो, गूगल पे भी बता देता है वो कौन से गेट से उड़ने वाली है। सो मेक श्योर
यू चेक दैट एंड टाइम रहते ही बोर्डिंग गेट पे पहुंच जाना। एंड ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपके पास कैरी ऑन बैग है उसकी जगह आपको ऊपर करनी पड़ती है, फ्लाइट में ऊपर रखना पड़ता है। एंड अगर आप लेट पहुंचो तो वो पूरा फिल हो जाता है, तो हो सकता है कि आपकी जो सीट है वो सबसे आगे है बट आपका जो बैग की जगह है वो बहुत पीछे मिल रही है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा फ्लाइट के जब लैंड हो जाएगी। सो मेक श्योर जब भी आपका बोर्डिंग टाइम हो आप उस टाइम से पहले ही बोर्डिंग गेट तक पहुंच जाएं। अच्छा, अब उस सेक्शन की बात करते हैं जो हर किसी के लिए वैलिड नहीं है। ये उनके लिए वैलिड है जो अपने डेस्टिनेशन से पहले एक स्टॉप, दो स्टॉप, तीन स्टॉप वाली फ्लाइट लेके जा रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो आपके लिए वैलिड नहीं है, बट ये वैलिड है वन स्टॉप या टू स्टॉप पैसेंजर के लिए। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट प्रोसेस। सो दोबारा से एग्जांपल लेते हैं दुबई से लंदन वाली फ्लाइट का। दुबई से पेरिस आपकी फ्लाइट पहुंच गई है, अब आपको पेरिस से दूसरी फ्लाइट पे जाना है लंदन। सो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट करना। एंड ट्रांजिट का जो टाइम होता है वो आपकी उसमें मेंशन होगा। हो सकता है कि आपके ट्रांजिट 2 घंटे में हो, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करता, कम से कम 3-4 घंटे लो। हो सकता है आपके ट्रांजिट 6 घंटे में, हो सकता है आपके ट्रांजिट 12-15 घंटे में हो। सो डिपेंडिंग ऑन आपका कितना ट्रांजिट, आप उसमें क्या क्या कर सकते हो ये मैं सेक्शन में बताऊंगा। सो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैंने 13 घंटे का ट्रांजिट ले लिया, क्या मैं 13 घंटे उस कंट्री में बाहर जाके घूम सकता हूँ? सो इसका आंसर है येस एंड नो। येस उनके लिए अगर वो अलाउ करते हैं बाहर जाना, तो जैसे मान लो मैं जब न्यूजीलैंड गया था तो मैं मलेशिया गया था एंड मेरे पास मलेशिया का भी वीज़ा था, तो मैं वीज़ा दिखा के अपना बाहर चला गया, 12 घंटे घूम के दोबारा रात को आ गया, फ्लाइट लेके न्यूजीलैंड पहुंच गया। बट अगर मेरे पास मलेशिया का वीज़ा नहीं होता तो मेरे को नहीं अलाउ करते, फिर मुझे 12 घंटे एयरपोर्ट पे स्पेंड करने पड़ते एंड मलेशिया का एयरपोर्ट इतना अच्छा नहीं है 12 घंटे निकालने के लिए। सो या ये सिंपल आंसर यही है कि अगर वो कंट्री अलाउ करती है, अगर आपके पास वीज़ा है, सो यू कैन गो आउट, यू कैन स्पेंड सम टाइम इन द सिटी एंड देन यू कैन कम बैक अगेन। बट इस केस में आपको बैगेज नहीं मिलेगा, अपना जो चेक इन करा रखा है आपने, आपके पास जो है वो तो आप लेके जा ही सकते हो। एंड अगर आपका ट्रांजिट टाइम बहुत शॉर्ट है, लाइक 3-4 घंटे, तो उस केस में ऑफकोर्स आप बाहर जा नहीं सकते क्योंकि आपके नेक्स्ट फ्लाइट का टाइम हो रहा होगा उस टाइम तक। सो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको अपनी फ्लाइट से उतरते ही फटाफट भागना है एंड एक बोर्ड ढूंढना है, उस बोर्ड पर लिखा होगा इंटरनेशनल ट्रांजिट्स एंड आपको उस गेट से जाना है एंड अपने दूसरे फ्लाइट की गेट की तरफ जाना है। दूसरे फ्लाइट का गेट जो होगा आपको, आपने जहां से अपनी फर्स्ट फ्लाइट पकड़ी होगी उससे आपको एक दूसरा बोर्डिंग पास मिलेगा। एग्जांपल अगर आपने दुबई से लंदन जाना है तो आप जब दुबई पे अपना चेक इन करोगे आपको 2 बोर्डिंग पास मिलेंगे, एक दुबई से पेरिस के लिए, एक पेरिस से लंदन के लिए। हो सकता है पेरिस से लंदन वाली जो बोर्डिंग पास आपको मिला है उसमें ऑलरेडी गेट मेंशन हो, अगर गेट मेंशन नहीं है तो इंटरनेशनल ट्रांजिट में जाओ, अगेन स्क्रीन पे पढ़ो अपनी फ्लाइट का नंबर एंड वहाँ पे लिखा होगा कि वो कौन से गेट से जा रही है, हो सकता है 7C हो, 7D हो, सो उस गेट पे फटाफट पहुंच जाओ। अब इस केस में आपका दोबारा से सिक्योरिटी चेक होता है ट्रांजिट का टाइम पे, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि ट्रांजिट बहुत छोटा हो क्योंकि सिक्योरिटी चेक में बहुत लंबी लाइन भी हो सकती है। सो दोबारा से सिक्योरिटी चेक होगा आपका ट्रांजिट वाले लोगों का एंड दैट्स व्हाई यू शुड कीप अ ट्रांजिट टाइम यू नो ग्रेटर देन 2-3 आवर्स। सो दोबारा सिक्योरिटी चेक कराओ, एक्सरे कराओ, फ्रिस्किंग कराओ एंड देन यू कैन गो टू योर न्यू फ्लाइट एंड देन यू कैन गो टू योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन और द फाइनल डेस्टिनेशन वेयर एवर यू आर प्लान टू गो अकॉर्डिंग टू योर फ्लाइट आइटिनरी। सो यार एयरपोर्ट पर एंट्री करी, बैगेज ड्रॉप किया, वहां से अपना बोर्डिंग पास लिया, फिर अपना पासपोर्ट कंट्रोल इमिग्रेशन कराया, सिक्योरिटी चेक कराई, ड्यूटी फ्री में घूमे, लाउंज में बैठे, फ्लाइट पकड़ी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचे, बी से दूसरी फ्लाइट पकड़ के आप हम पहुंच गए हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? सो फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले हो सकता है आपको फ्लाइट में ही एक कार्ड दिया जाए भरने का, जिसको बोलते हैं डिक्लेरेशन कार्ड। तो इस डिक्लेरेशन कार्ड में जो कंट्री में आप फाइनली जा रहे हो वो क्वेश्चन पूछती हैं आपसे एंड आपको ये खुद ही फिल करना है एंड आपको बिल्कुल सच फिल करना है। तो उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप क्या कुछ खाने की चीज़ लेके आ रहे हो, सो अगर आपके बैग में वो मैगी के पैकेट्स हैं या फिर वो हल्दीराम का रेडी रोट है तो उस पर येस मार्क कर देना। उसमें ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या आप $10,000 से ज़्यादा कैश लेके जा रहे हो एंड अगर लेके जा रहे हो तो पहले मुझे दोस्त बनाओ एंड दूसरी चीज़ उस पर येस मार्क कर दो, बट नहीं लेके जा रहे तो नो मार्क कर दो। ऐसे उसमें 7-8 क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है उसमें पूछा जाए कि आप कहाँ पे रुक रहे हो, उस होटल का एड्रेस दो, तो वो सब फिल कर देना, नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारे क्वेश्चन के आंसर यस नो, होटल का एड्रेस। एंड जैसे आपकी फ्लाइट लैंड होगी फिर आपको दोबारा से इमिग्रेशन पे जाना है एंड इसको हम बोलते हैं इनकमिंग इमिग्रेशन, क्योंकि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंड अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपको वापसी डिपोर्ट करके आपकी कंट्री भी भेज सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप सारा जो आपने आंसर दिया है कार्ड पे वो सही दिया हो एंड इमिग्रेशन ऑफिसर जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आप आंसर सही दो। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हो जो वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते या जैसे कजाकिस्तान, तो इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ बोलेगा आपको नहीं पता, तो इस केस में वो ट्रांसलेटर बुला के आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट जैसे आप किसी कंट्री में पहुंचोगे, वहाँ के इमिग्रेशन में जाओगे, तो जनरली वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या करने आए हो हमारी कंट्री में, कितने टाइम तक रुकोगे, किस होटल में रुकोगे, वापसी की रिटर्न टिकट दिखाओ, इस कंट्री का वीज़ा दिखाओ, अपनी फ़ोटो मैच कराओ पासपोर्ट से, फिर वहाँ पे वो आपके बायोमेट्रिक्स भी ले सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन, थंब स्कैन,
आई स्कैन, आपकी फ़ोटो ले सकते हैं। ये सब करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो वो आपके पासपोर्ट पे एक और ठप्पा मार देंगे कि आप इस डेट पे इस सिटी के एयरपोर्ट से इस कंट्री में एंटर किए हो एंड आपके पास कितने दिन का वीज़ा है, आपको उतने दिन के अंदर ही वापसी जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वीज़ा 30 दिन का है तो आपको 30 दिन से पहले पहले वो कंट्री छोड़नी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, जिसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। बट ये था एक्सपीरियंस आपका इमिग्रेशन का, जो कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसका। एंड अगेन मेंशन करूंगा, अगर इमिग्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो आपको डिपोर्ट करके वापसी आपकी कंट्री में भेज सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो भी डिक्लेरेशन कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, उनका आप सही सही आंसर करो। घबराने वाली बात कोई नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि कोई इलीगली उनकी कंट्री में एंटर ना कर जाए। अच्छा, इमिग्रेशन वाले आपका फोन चेक कर सकते हैं, आपका ईमेल चेक कर सकते हैं, आपका पूरा बैग खुलवा के चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी होटल में जा रहे हो, आपने बोला कि मैं यहाँ पे रुकूंगा, उसको कॉल करके आपकी बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। आपके बैंक वाले को फोन करके आपका अकाउंट के अंदर कितना पैसा है वो पूछ सकते हैं। सो नेवर नेवर लाई टू इमिग्रेशन ऑफिसर। अगर उन्होंने पकड़ लिया आपका झूठ, उसके बाद ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, दोबारा उस कंट्री में नहीं आ पाओगे बहुत सालों तक। सो मेक श्योर यू डू इमिग्रेशन वेरी कामली, वेरी स्मूथली एंड बी ऑनेस्ट विद द इमिग्रेशन ऑफिसर। ऑल राइट, सो ये सब करने के बाद नाउ फाइनली आपको एंट्री मिल गई है उस कंट्री में। एंड जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर आते हो, आप बिल्कुल कल्चरल शॉक आपको लगता है कि मैं फाइनली पहुंच गया हूँ एक अपने फर्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे। अब उसको एंजॉय करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए उससे पहले, जो कि है एक सिम कार्ड जो कि आपको देगा डेटा इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड करने के लिए उस कंट्री की, एंड सेकंड चीज़ है वहाँ की करेंसी जो उसकी आप ले सकते हो टैक्सी के लिए, होटल बुकिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो ये दो चीज़ें आप एयरपोर्ट पर भी ले सकते हो, ये दो चीज़ें आप जाके सिटी में भी ले सकते हो। एयरपोर्ट पर थोड़ा महंगा मिलता है, बट सिम तो एयरपोर्ट से ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको टैक्सी बुक कराने के लिए डेटा चाहिए हो, ऐप चाहिए हो। तो जैसे आप एयरपोर्ट से निकलोगे, वहाँ बहुत सारे सिम वाले बैठे होंगे, वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट की फोटो, अपनी फोटो देके सिम कार्ड ले सकते हो। टूरिस्ट सिम 7 दिन 10 दिन महीने के लिए मिलती है डेटा, आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट या फिर कैश से पेमेंट कर सकते हो अगर आप अपनी कंट्री से ही वहाँ की करेंसी लेके जा रहे हो। दूसरी चीज़, वहाँ पे आप अपना फॉरेन एक्सचेंज भी करा सकते हो, अगर आप अपने इंडिया से रुपीस लेके गए हो या डॉलर्स लेके गए हो, वहाँ पे आप लोकल करेंसी जो भी है वो ले सकते हो। अगर आप फॉरेक्स नहीं भी लेकर आए हो तो आप अपना एटीएम कार्ड यूज़ करके एयरपोर्ट से एटीएम से लोकल करेंसी विड्रॉ कर सकते हो। नाउ इन चीज़ों में कितना बेनिफिट है, एटीएम में कितना पैसा लगेगा एक्स्ट्रा, फॉरेन एक्सचेंज एयरपोर्ट से करानी चाहिए, ये सब इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, सो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बस ये बताना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट से निकलते ही सिम ऑन फॉरेन एक्सचेंज जो है वो एक तरह का मैंडेटरी चीज़ है, तो वो आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज एयरपोर्ट से करा लो, फिर जाके सिटी में करा लेना, क्योंकि सिटी में ऑफकोर्स आपको बेटर रेट मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हैक ये है कि नंबर वन, आप अपने लोकल इंडिया की सिम में ही इंटरनेशनल रोमिंग करा के जा सकते हो, वहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। थोड़ा महंगा पड़ता है लोकल ट्रैवलर सिम से, बट एटलीस्ट आपकी पहली इनिशियल टैक्सी बुकिंग आप उससे कर सकते हो। दूसरा हैक ये है कि आप किसी भी कंट्री में जाओ तो आप थोड़े से यूएस डॉलर से जा सकते हो, क्योंकि यूएस डॉलर्स का जो रेट है वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मिलता है एक्सचेंज रेट। सो यूएस डॉलर्स आप अपनी कंट्री से ही लोकल फॉरेन एक्सचेंज से लेके जा सकते हो। रुपीज़ का हो सकता है रेट आपको इतना अच्छा ना मिले एक्सचेंज कराने पे जो यूएस डॉलर्स का मिले। सो ये दो हैक है व्हेन इट कम्स टू सिम एंड फॉरेन एक्सचेंज मनी। सो उसके बाद तो कुछ बताया नहीं, सीधा टैक्सी बुक कराई एंड पहुंच गए अपने होटल में। टैक्सी बुक कराने के लिए आप अपनी लोकल टैक्सी की ऐप यूज कर सकते हो, जैसे कजाकिस्तान में हमने यूज करी थी यैंडेक्स, यूके यूएस में मैं यूज करता हूँ उबर, एंड होटल जो भी आपने बुकिंग कराया हो वहाँ पे जा सकते हो। अब एयरपोर्ट में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, टैक्सी के स्कैम्स होते हैं, ऑफकोर्स ये हर कंट्री के लिए अलग है, तो ये इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। सो मेक श्योर आप थोड़ी सी रिसर्च करके जाओ एंड सेफली अपने होटल तक पहुंच जाओ। अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की जो कि इंश्योर करेगा आपको ट्रैवलर बहुत स्मूथ हो। सो पहले टिप तो ऑफकोर्स थोड़ा जितना हो सके उतना लाइट पैक करो। अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हो सकता है आप ओवरवेल्म हो रहे हो, पहले इंटरनेशनल ट्रिप है, 20 जोड़ी कपड़े ले गए, ऐसा मत करना। आपको बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि आपने जो रूम बुक कराया है आपको एक बेलहॉप मिलेगा, आपका बैग लेके आपके रूम तक जाएगा, ऐसा नहीं होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। सो लाइट पैक करो, जितना लाइट पैक करोगे उतना ईजिली आप घूम पाओगे, टेंशन फ्री घूम पाओगे। ज़्यादा सामान मत कैरी करो अपने साथ, स्पेशली कीमती सामान, स्पेशली अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपका सामान का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, या फिर आप हॉस्टल्स में रुकने वाले हो, बैकपैकिंग जगह पे रुकने वाले हो, तो ऐसा कोई भी स्पेशल कीमती सामान लेके मत जाना जो कि चोरी होने के जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था बोर्डिंग पास संभाल के रखना, तो जो इनकमिंग इमिग्रेशन है वो आपका बोर्डिंग पास ही मांगेगा, एंड बोर्डिंग पास संभालना बहुत ज़रूरी है। पूरे एयरपोर्ट में बिल्कुल इग्नोर मत करना बोर्डिंग पास को, जहाँ से भी उठो अपना फ़ोन, वॉलेट, बोर्डिंग पास एंड पासपोर्ट, ये चार्ज चेक करके उठना हर जगह से।
आप ट्रैकिंग डिवाइस भी यूज कर सकते हो, जैसे एप्पल का एयर टैग टू ट्रैक करने के लिए कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपके साथ ही है। इसके अलावा लिक्विड्स के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जब आप सिक्योरिटी चेक पे जाओगे, अगर आपके कैबिन बैग के अंदर लिक्विड है जो कि आई थिंक 100 ml से ऊपर है, वो अलाउ नहीं होते, वो वहीं पर डंप करने पड़ेंगे। पानी तक आपको नहीं ले जाने देंगे, पानी आप सिक्योरिटी चेक करने के बाद वहां पे भर सकते हो। सो लिक्विड्स का स्पेशल ध्यान रखना, ये नहीं कि आप पूरा शैम्पू की बॉटल बड़ी वाली भर के ले गए, दैट विल नॉट बी अलाउ। कैबिन बैग में तो नहीं अलाउ करेंगे, चेक इन बैग में अलाउ कर सकते हैं। सो लगेज में आप दे सकते हो, बट कैरी ऑन बैग में बहुत ही सिलेक्टिवली चूज करके चीजें लेके जाना एंड पढ़ लेना पहले कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। नाउ लेट्स सपोज आप सारा इंटरनेशनल ट्रिप मार के वापसी घूम कर आए, तो आपको कस्टम्स में रोक सकते हैं या फिर आपको कस्टम डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 10 आईफोन लेकर आ गए दुबई से कि यहाँ पे आके बेच दूंगा, तो कस्टम्स वाले ऑफकोर्स वो स्कैनिंग में पकड़ लेंगे, तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। इसके अलावा ट्रैवल को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए आप ले जा सकते हो एक ट्रैवल कुशन एंड एक ट्रैवलर ब्लैंकेट, एंड यू कैन बाय देम एट एयरपोर्ट एज वेल, या फिर आप पहले भी मिनीसो वगैरह से अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर एन आई मास्क जो कि हेल्प करेगा आपको प्लेन में सोने के लिए। इसके अलावा तो बस के अपना बैगेज का वेट चेक करके रखो, एंड अगर आप फ्लाइट आपकी लंबी है तो अपने आईपैड में या फिर अपने लैपटॉप में मूवीज वगैरह ऑफलाइन डाउनलोड करके ले जाओ, वो देख सकते हो। स्पेशली अगर आपको किसी चीप एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो जिसमें इंफरटेनमेंट या फिर एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं होता है। सो आई थिंक दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू कवर इन दिस वीडियो। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा बहुत टाइम से मन था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब मैं अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप मार रहा था तो मेरे पास ऐसी कोई वीडियो नहीं थी रेफर करने के लिए, एंड थोड़ी सी बड़ी बन गई है ये वीडियो, बट बहुत सारे इसमें इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अपना फर्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हो सो जरूर कमेंट करना कहाँ जा रहे हो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। एंड ऑन दैट नोट आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन।